प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर पंचकुला से है। आपको बता दें कि पंचकुला में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और बता दें कि बीते 24 घंटे में संक्रमण के 377 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इन संक्रमितों में 315 मरीज तो पंचकुला जिले के शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंचकुला में 160 लोगों की अब तक संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। तो वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1799 हो चुकी है। बता दें कि अभी तक जिले में 13,000 के करीब मरीज स्वस्थ होकर घर को लौट चुके हैं। तो वहीं अब तक पंचकुला में 2,43,000 के करीब लोगों के टेस्ट भी हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण के 377 नए मामले सामने आए हैं और इन संक्रमितों में 315 मरीज तो पंचकुला जिले के शामिल है। वहीं आपको बता दें कि संक्रमण के चलते अब तक 160 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही पंचकुला जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1799 हो चुकी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब तक 13,000 के करीब मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। तो वहीं पंचकुला जिले में अभी तक 2,43,000 के करीब लोगों के कोरोना के टेस्ट भी हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो पंचकुला से आ रही है।